देखिए मुझे जानकारी नहीं है, आप लोग दे रहे जानकारी मुझे। कानून को अपना काम करने दो। अगर मान लो जितनी उन्होंने दे दिया है, पूछताछ की है, जवाब दिया होगा उन्होंने, टाइम मांगा होगा, टाइम नहीं दिया है, कोई सोच समझ के नहीं दिया होगा, मैं कैसे कह सकता हूँ कुछ? मुझे कुछ पता नहीं है। कानून को अपना काम करने दो। ईडी ने नोटिस दिया है, वो हाजिर हो गए हैं, जवाब दे दिया होगा, और अब आगे और डेट दी उनको, और रिक्वेस्ट वेबो करो तो की होगी, जैसे आप मुझे बता रहे हो। मैं तो बाहर निकले हूँ मीटिंग से, उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि चुनाव के बाद बुलाओ मुझे, उन्होंने स्वीकार कर दिया होगा, तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ? कानून अपना काम करेगा। इतना मैं कह सकता हूँ कि कोई दम नहीं है नोटिस के अंदर, सिंपल नोटिस है, सिंपल इन्फॉर्मेशन मांगी गई है। जो कुछ हो रहा है, पॉलिटिकल मैसेज जाए, पीसीसी प्रिंट के छापे पड़ गए हैं, मुख्यमंत्री के सन के ऊपर छापे पड़ गए हैं, उनको बुला लिया गया है, तो पॉलिटिकली कैसे माइलेज लें उस काम को लगे मैं ईडी वाले, क्योंकि ऊपर दबाव उनके ऊपर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बल्कि वहां राजस्थान भर के अंदर जब से खबर आई है कि आपने ईडी ने बुलाया नोटिस देकर के, 12 साल पहले का केस खत्म हो चुका, खत्म केस था ही नहीं पहले बात, तो कोई केस ही नहीं था। एक मिस्टर किरीट सोमैया बोलते थे 12 साल पहले, घूम घूम करके वो हम सुनते थे, उन बातों को लेकर बुला लिया गया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की एक बड़ी पोस्ट होती है, हमारा पार्टी अध्यक्ष हैं, पेपर लिख के माने उनके घर में घुस गए और पूछताछ की नहीं उनसे, पूछताछ नहीं की, ना बयान लिए उनके, और दिन में बैठे रहे वहां पर। आप सोच सकते हो ये पूरा पॉलिटिकल खेल है बीजेपी का, और उससे बहुत बड़ा रिएक्शन राजस्थान के अंदर गांव गांव में पहुंचा है रिएक्शन, इनको लेने देने पड़ जाएंगे। भारत सरकार के जिन नेताओं के इशारे पर ईडी की कार्रवाई चल रही है, तो छत्तीसगढ़ हो चाहे राजस्थान हो चाहे और कोई राज्य हो, कर्नाटक में आपने देख लिया डीके शिव कुमार जी, वो भी प्रदेश के अध्यक्ष थे कांग्रेस की, 22 बार छापे पड़े वहां पे, 22 बार छापे पड़े, चुनाव कौन जीता? कांग्रेस जीती। वो स्थिति होगी राजस्थान के अंदर भी होगी, छत्तीसगढ़ में भी होगी, मध्य प्रदेश में भी होगी, जितने छापे डाल दे, अब इनके छापों का इफेक्ट नहीं रहा है।